हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट 2017 जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम पेपर। आपको मालूम ही है टोटल 300 क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, उनमें से 200 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के बारे में एंड 100 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के बारे में रहते हैं। 100 जनरल नॉलेज गुजराती में आएगा एंड जो 200 क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर के है वो खुले इंग्लिश में आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप टू द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। हॉर्टिकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये 2017 का पेपर है तभी ये 20% था, और अभी कितना है जीडीपी की अगर हम बात करें तो 30.4% जीडीपी में हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कंट्रीब्यूशन है। अगर अभी पूछता है 2021 में जो एग्जाम है उसमें पूछता है तो हम कितना लिखेंगे, 30.4%। अगर एक्सपोर्ट में बोलता है तो एक्सपोर्ट में कितना है, तो एक्सपोर्ट में 37%, कितना जीडीपी में 30.4% है और एक्सपोर्ट में कितना है 37% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया। जितने भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी का एक्सपोर्ट होता है उसमें से 37% हॉर्टिकल्चर का होता है, और जीडीपी में जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसमें 30.4% हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। द मिल्क प्रोडक्शन लैक टन्स इन द स्टेट ड्यूरिंग 2014-15 वॉज, उस टाइम में कितना था, तो कितना था 117 लाख टन्स। अभी की बात करें तो 2019-20 में कितना है गुजरात का, 2019-20 में कितना है, तो वो है 14.49 मिलियन टन। कितना है 14.49 मिलियन टन। अगर हम लाख टन की बात करें तो कितना है 144.9 मिलियन टन, तो कितना रहेगा 144.9 मिलियन टन उसका प्रोडक्शन रहेगा। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया का कितना है, ये गुजरात का पूछा है तो इंडिया का कितना है, तो इंडिया का है 187 मिलियन टन। कितना है मिलियन टन, नॉट अ लैक टन, कितना है 187 मिलियन टन, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन से कंट्री करती है वो भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो कौन से है, इंडिया है। कितना प्रोडक्शन करती है 187 मिलियन टन। आगे की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका, कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है मिल्क का, तो वो है उत्तर प्रदेश। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इज यूपी, यूपी के बाद में कौन सा आएगा राजस्थान, बाद में आरजे, बाद में एमपी आएगा, बाद में एपी आएगा आंध्र प्रदेश, और पाँचवें नंबर पर गुजरात का कौन सा रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया में, तो वो है फिफ्थ। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, गुजरात का फिफ्थ रैंक है। और अवेलेबिलिटी कितने है, तो अवेलेबिलिटी कितने है इंडियन की, तो 322 ग्राम पर डे। एक ग्राम में कितना एवरेज इंडियन कंजप्शन करते हैं, तो 322 ग्राम पर डे, तो ये भी आ सकता है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी मिनिमम, तो मिनिमम किस में होगा, तो वो प्लेटी सॉइल में। बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द वाटर इन द सॉइल इज, तो इन दोनों के बीच में जो वाटर है हम उसको क्या बोलेंगे, तो वो अवेलेबल वाटर, उसको अनअवेलेबल नहीं बोल सकते। जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का स्टेज आता है तब वो अनअवेलेबल वाटर रहता है, बाकी हम उसको अवेलेबल वाटर बोलेंगे। एन इरीगेशन प्रैक्टिस विच ऑल्सो मैनेज टू सर्टेन एक्सटेंड वीड प्रॉब्लम इज, तो वो कौन सी इरीगेशन प्रैक्टिस है जो वीड प्रॉब्लम कंट्रोल करती है, तो वो कौन से है, तो फ्लडिंग इन पैडी, उसको हम क्या बोलते हैं, तो पटलिंग, क्या बोलते हैं, तो उसको पटलिंग। पटलिंग में क्या करते हैं, कोई भी फार्म है तो फार्म में क्या करेंगे, पहले फ्लड इरीगेशन दे देंगे और बाद में उसके अंदर टीलेज करेंगे, तो वो क्या है, पटलिंग है। तो इसमें क्या आएगा, फ्लडिंग इन पैडी। दूसरा भी पूछ सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पटलिंग। When F1 hybrid is crossed with dominant parent, it is, जब dominant parent के साथ F1 hybrid crossed होगा तो उसको क्या बोलेंगे, back cross। Test cross क्या है, तो cross between an organism with unknown genotype and a recessive parent, recessive parent है तो test cross, इसमें क्या आएगा, back cross। The secretariat of WTO is situated at, इसके WTO कहाँ पर है, तो WTO means क्या, World Trade Organization, वो कहाँ पर है, तो वो जिनेवा में है। जिनेवा कौन सी कंट्री में है, तो स्विट्जरलैंड में है, वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और भी WTO के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1995 में।
कब हुआ था? 1995 में। अभी कितने मेंबर है डब्ल्यूटीओ में? तो कितने हैं? 164। कितने मेंबर है? 164। लास्ट कौन सी कंट्री ऐड हुई थी? तो वो थी अफगानिस्तान। तो वो कौन सी कंट्री थी? अफगानिस्तान कब हुई थी? तो वो 2016 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ का मेन रोल क्या है? रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में ये सब कुछ आ सकता है अगले एग्जाम में। द डब्ल्यूटीओ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, हमने अभी डिस्कशन किया था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1995 में। द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया इज इन, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कहाँ पर है इंडिया में? तो वो कहाँ पर है? गुजरात में। कितने हैं? तो वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर है वो, इंडिया का कितना परसेंट है 1600 किलोमीटर? तो 24%। इंडिया की 24% कोस्टल लाइन गुजरात के पास है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टेट में है तो वो गुजरात में है। इंडिया की कितने कोस्टल लाइन है? तो 7516 किलोमीटर। कितने हैं? 7516 किलोमीटर। तो इसमें से गुजरात के पास इतनी कोस्टल लाइन है। द सरदार सरोवर निगम वॉज इस्टेब्लिश लाइन, सरदार सरोवर निगम कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1988 में। जो सरदार सरोवर डैम है नवागाम के पास, जो सरदार सरोवर डैम है, तो उसका निगम कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1988 में। द इरीगेशन पोटेंशियल ड्यू टू SSP मीन सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन लेक हेक्टर्स इज, कितने हेक्टर में है? तो 17.9 हेक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर नहीं है? DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फॉस्फेटिक है, K2PO4, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये भी क्या है? फॉस्फरस है, सुपर फॉस्फेट मीन्स की सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तो इसमें भी फॉस्फेट है, तो क्या आएगा? KCl। KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, इसमें कहीं पर भी फॉस्फरस नहीं है, तो ये क्या आएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर? तो KCl। KCl इज ऑल्सो नोन एज ब्यूरेट ऑफ पोटास, MOP। कितना परसेंट पोटास रहता है? तो वो 60%, 58 से 60% इसके अंदर पोटास रहता है। बाकी की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलो रूटेड क्रॉप? तो राइस, ओनियन और कॉलीफ्लावर है वो क्या है? सैलो रूट है, जबकि कॉटन है वो कौन सा है? डीप रूटेड क्रॉप है, तो इसमें आएगा कॉटन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कवर्ड अंडर MSP? MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कौन डिसाइड करता है? तो CACP, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, ये सब कुछ आ सकता है। तो ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कवर्ड अंडर MSP? कौन सा क्रॉप है जो नहीं है? तो बनाना। क्यों? मोस्टली जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो MSP के अंडर में नहीं आते हैं। राइस MSP से खरीदी जाती है, शुगर कैन भी खरीदी जाती है, तो क्या इसमें आएगा? बनाना। बनाना में या कोई भी वेजिटेबल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में MSP नहीं है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पाइराइट इज क्या है? केमिकल फॉर्मूला पाइराइट का, तो वो है FeS2 मीन्स आयरन डाई सल्फाइड। पेडी पल्सिस इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप सिक्वेंसिंग, पेडी पल्स कौन से प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग सिक्वेंस है? तो पेडी है, तो पेडी कहाँ पर होगी? साउथ गुजरात में, तो साउथ गुजरात आएगा। और पल्सिस तो वो भी कहाँ पर आएगा? साउथ गुजरात, तो इधर क्या आएगा? साउथ गुजरात। क्यों? क्योंकि सौराष्ट्र में पेडी नहीं ग्रोइंग की जाती है, नॉर्थ में भी नहीं की जाती है और कच्छ में भी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि पेडी रिक्वायर हाई वाटर, तो इधर वाटर की शॉर्टेज है, इसीलिए इधर कौन से मेनली इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग सिक्वेंस है? तो वो साउथ गुजरात में इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग सिक्वेंस है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कैन एड सल्फर ऑल्सो द सॉइल, तो इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर है वो सल्फर ऐड करेगा सॉइल में? DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो क्या ऐड करेगा? तो फॉस्फरस एंड नाइट्रोजन, यूरिया ओनली नाइट्रोजन। म्यूरेट ऑफ पोटास, तो पोटास ऐड करेगा और क्लोरीन ऐड करेगा, तो ये क्या आएगा? इसके अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर 3 न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, एक तो फॉस्फरस है, कितना है? 60%। दूसरा क्या है इसके अंदर? सल्फर, तो सल्फर ये कितना ऐड करता है? तो 11%। और तीसरा कौन सा ऐड करता है? तो कैल्शियम, वो भी कितना? 21%। तो इसमें क्या आएगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके केमिकल कंपोजिशन भी पूछ सकते हैं, इसके अंदर कितना है फॉस्फोरस? तो 16%, सल्फर 11% एंड कैल्शियम 21%।
The estimated production of food grain in million tons in Gujarat during 2014-15 was, इसके टाइम में कितना था फूड ग्रेन? तो 7.8%, कितना था 7.8 मिलियन टन। फूड ग्रेन मीन्स क्या? फूड ग्रेन में कौन कौन से आएंगे? तो वीट आएगा, राइस आएगा, पल्सेस आएगा एंड कोर्स सीरियल। इन सबका होगा तो वो क्या होगा? तो इन सबका जो है तो वो फूड ग्रेन, तो वो गुजरात में कितना था? तो 7.8 मिलियन टन था। अब रिसेंट डाटा पूछ सकते हैं, तो रिसेंट डाटा में कितना आएगा? तो 2019-20 में गुजरात का कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन था? तो वो कितना था? 9.3 मिलियन टन। 2019-20 में कितना था? 9.3 मिलियन टन। ये भी पूछ सकते हैं, ये करंट है 9.3 मिलियन टन। इंडिया का कितना है 2019-20 में? तो वो है 297.5 मिलियन टन। कितना है? 297.5 मिलियन टन। तो इसमें क्या आएगा? अगर अभी पूछते हैं तो 9.3 मिलियन टन गुजरात में 2019-20 में, और इंडिया में 297.5 मेट्रिक टन। तो ये भी पूछा जा सकता है। द वेजिटेबल प्रोडक्शन इन गुजरात ड्यूरिंग 2014-15 इन लैक टन वर्स, तो वो कितना था? तो कितना था? 120.5 उस टाइम था, अभी कितना है? 132.29। अभी कितना है 2019-20 में? 132.29 लाख टन्स है। और हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है गुजरात में? तो सॉरी इंडिया में, तो वो वेस्ट बंगाल में। तो ये भी आ सकता है। अब आगे का डिस्कशन करें, 120वां क्वेश्चन। ड्यूरिंग 2014-15 द एस्टिमेटेड एरिया परसेंट अंडर फॉरेस्ट इन स्टेट वॉज एस्टिमेटेड टू बी, तो गुजरात में कितना है फॉरेस्ट कवर? तो 11%। गुजरात में कितना है? 11%। अगर इंडिया के बारे में पूछते हैं तो इंडिया में कितना है? तो वो 24.56 कितना है, 2019 में रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक 24.56% फॉरेस्ट कवर इंडिया का है, जबकि गुजरात का कितना है? अभी भी 11% ही है। द वलसाड डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ द स्टेट, तो वो कौन से में आएगा? साउथ गुजरात हैवी रेनफॉल हिली जो क्लाइमेट जोन है उसमें वलसाड आएगा। तो इस पेपर में वलसाड के बारे में पूछा है, आगे कोई और डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं। इन इंडिया द जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड है, तो वो कहाँ पर, वीट की जो जीन बैंक है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो है वीट डायरेक्टोरेट करनाल के अंदर वो लोकेटेड है। द वाटर यूजेज पेटिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट एक्ट वॉज पासड ड्यूरिंग, वो कब पास हुआ था? तो वो 2007 में। द नंबर ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन इन द स्टेट एट द एंड ऑफ मार्च 2015 वॉज, तो 17-13। द गुराड़ू सॉइल इज प्रीडोमिनेंट इन, गुराड़ू सॉइल मेनली कहाँ पर है? तो गुजरात में जो मिडल गुजरात है, चड़ोतर जो है प्रदेश है, नड़ियाद है, वहीं पर कौन सी है मेनली मिडल गुजरात में? तो गुराड़ू सॉइल प्रीडोमिनेंट है, मीन्स के सबसे ज़्यादा गुराड़ू सॉइल वहीं पर है। द कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग टू और मोर टाइप ऑफ फार्मिंग इन वन एरिया ऑफ लैंड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला है? टू और मोर फार्मिंग, तो इसमें क्या आएगा? मिक्सड फार्मिंग। अगर टू और मोर क्रॉप बोला होता है, इधर फार्मिंग के अला फार्मिंग के बदले क्रॉप बोला होता तो क्या आते? मिक्सड क्रॉपिंग। पर क्या है? टू और मोर फार्मिंग मीन्स मिक्सड फार्मिंग आएगी। इंटरक्रॉपिंग मीन्स कोई कैस्टर है इसके बीच में अगर हम कोई ल्यूसन लगाते हैं तो वो क्या है? इंटरक्रॉपिंग। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन गुजरात, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कौन सी मैक्सिमम डेफिशिएंसी है? तो जिंक की। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बोला होता तो कौन सा आता? तो वो नाइट्रोजन। पर माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला है तो वो कौन सा आएगा? जिंक। द लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन इन गुजरात इज, कितना किलोमीटर, जो हमने आगे अभी डिस्कशन किया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इधर ही आ गया, तो कितना है? 1600 किलोमीटर गुजरात के पास कोस्टल लेंथ है, तो ये आपको याद रखना है। द क्रोमिस्टर्स ऑक्यूरिंग इन भरूच डिस्ट्रिक्ट इज कॉमनली नोन एज, तो अब इसका मतलब क्या? क्रोमिस्टर्स मीन्स सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन पैटर्न इन सॉइल, तो वो, तो इसमें क्या आएगा? तो डीप ब्लैक कॉटन सॉइल आएगा। भरूच में क्या डीप ब्लैक कॉटन सॉइल आएगा। व्हेन
a soil with 0.5% organic matter as 15% silt, 20% sand and rest as clay. मीन्स की 20% ये है, 15% सिल्ट है तो, और 0.5% ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो कौन सी सॉइल होगी? तो और रेस्ट क्ले मीन्स कितनी हुई, मीन्स 60-17% क्ले सॉइल हुई, तो वो कौन से आएगी सॉइल? तो फॉल अंडर क्ले सॉइल के अंदर आएगी. फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोलाइन सोडिक सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी. रिक्लेमेशन मीन्स अगर हमको सॉइल को इम्प्रूव करना है, उसको उसके अंदर क्रॉप सोइंग करने के लायक बनाना है, तो हम कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं सलाइन एंड सॉडिक सॉइल में? जिप्सम एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा है उसकी एप्लीकेशन देंगे तो, ड्रेनेज प्रोविजन, ड्रेनेज मीन्स रिमूविंग ऑफ वाटर, वो भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, तो इसमें क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आएगा. द बल्क डेंसिटी विल बी लोएस्ट इन, क्या बोला है? लोएस्ट. लोएस्ट किसमें होगी? क्ले सॉइल में. हाइएस्ट किसमें होगी? तो सैंडी में. तो बल्क डेंसिटी लोएस्ट क्ले सॉइल में होगी. बल्क डेंसिटी क्या है? बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज ड्राई वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वो क्या है? बीडी. तो लोएस्ट हमने बोले थे क्ले में कितने रहते हैं, क्ले में तो 1.4 से 1.5 इसकी कितनी रहती है, 1.4 से 1.5 इसकी बल्क डेंसिटी रहती है, तो इसमें आएगा क्ले सॉइल. द एसएसपी कमांड इन गुजरात इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ जोन. एसएसपी मींस सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, तो वो कमांड एरिया कितने जोन में डिवाइड किया है, तो वो 13 जोन में डिवाइड किया हुआ है. टीपीएस इज रिलेटेड टू, टीपीएस मींस क्या? ट्रू पोटेटो सीड. TPS means true potato seed. इसका फुल फॉर्म है true potato seed. तो ये इसमें potato से ही क्या आ जाएगा? Potato आ जाएगा. Actually TPS क्या है? तो is the actual botanical seed produced by the sexual reproduction. Means के इसमें tuber नहीं use करते, इसमें क्या? Sexual reproduction से जो seed मिलता है उसका use करते, तो वो क्या है? TPS. SRI is a technique in. SRI means क्या? तो SRI का फुल फॉर्म क्या है? श्री का फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेस्टिफिकेशन. सिस्टम ऑफ राइस इंटेस्टिफिकेशन मीन्स इसके अंदर क्या करते हैं? तो इसके अंदर अर्ली वीक एंड हेल्थी प्लांट इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और रिड्यूस प्लांट डेंसिटी, जो प्लांट डेंसिटी है तो उसको रिड्यूस करते हैं इसके बाद. और दूसरा क्या उसमें होता है श्री मेथड में? अंडर SRI पैडी फील्ड आर नॉट फ्लडेड, मीन्स के इसमें पटलिंग नहीं करते हैं, पर क्या करते हैं? बट केप्ट मॉइस्ट ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज. इसके अंदर पटलिंग नहीं करते, पर क्या जो पैडी है उसको क्या रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं. तो इसकी वजह से, श्री मेथड की वजह से, जो पैडी के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो SRI क्या है? तो पैडी कल्टिवेशन की श्री मेथड है, वो आपको मालूम है. इन मेज प्लांट टेस्टलिंग हैपन फर्स्ट. जो मेज है वहाँ पर जो अपर पोर्शन में आता है जो टेस्टलिंग, तो वो क्या फर्स्ट अपियर होता है ऑन टॉप्स ऑफ मेज, तो इसमें आएगा टेस्टलिंग हैपन फर्स्ट. द फर्टिलाइजर नीडेड फॉर नोड्यूलेशन इन ग्राम. ग्राम मीन्स ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम. तो ये लेग्यूम में कौन सा आएगा, मोस्टली कौन सा यूज होता है? तो लेग्यूम में राइजोबियम. कौन सा यूज होता है? राइजोबियम. तो ये ग्राम पूछा है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरियम है, वो कहाँ पर यूज होगा? तो मोस्टली वो सीरियल में यूज होगा. राइजोबियम में भी पी है, लेग्यूम है, तो वहाँ पर कौन सी स्पीसीज यूज होगी? तो राइजोबियम लेग्यूमिनेशन हो. सोयाबीन है तो राइजोबियम जैपोनिकम, ल्यूसन है तो राइजोबियम मेलिलोटी, तो वो स्पीसीज यूज होगी. इन ओवर एक्सप्लोइटेड कंडीशन द ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट इज परसेंट मोर देन द रिचार्ज. मीन्स के कितना परसेंट? तो मोर देन 100%. ओके, तभी हम उसको ओवर एक्सप्लोइटेड बोलेंगे. प्रेजेंटली द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो इरीगेशन स्कीम इन गुजरात. तो वो कौन सी नोडल एजेंसी है जो माइक्रो इरीगेशन को इम्प्लीमेंट कराती है? तो वो है GGRC. GGRC का फुल फॉर्म आपको आ सकता है, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी. तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है. Which of the following genetically modified crop is being grown in the large scale in Gujarat? तो वो कौन सा क्रॉप है? तो वो कॉटन है.
ब्रिंजल अभी अप्रूव नहीं हुआ है और इसमें कोई वो नहीं है, तो अभी कौन सा हो रहा है तो गुजरात वो कॉटन, कॉटन में भी कौन सा बीटी कॉटन बेसिलस थुरिंजेंसिस कॉटन, उसमें कौन सा जीन यूज हुआ था सोइल बैक्टेरियम का क्राइवन एसी, वो एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिफरेड एज म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास को ऑल्सो नॉन एज ई सी एल मीन्स के पोटेशियम क्लोराइड, कितना परसेंट रहता है तो पोटास तो 58 से 60%, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ श्री मेथड ऑफ पेडी कल्टिवेशन, एस आर आई मेथड का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है, रिड्यूस वाटर एप्लीकेशन यस जो हमने अभी डिस्कशन किया था, रिड्यूस एज ऑफ सीडलिंग यस हमने बोला था अर्ली सीडलिंग ये भी आएगा, रिड्यूस पॉपुलेशन मीन्स के डेंसिटी घटाना है तो वो भी एस आर आई का कॉम्पोनेंट है, इंक्रीज फर्टिलाइजर डोज नहीं, एस आर आई में क्या करता है रिड्यूस फर्टिलाइजर डोज एंड इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो इसमें क्या आएगा ये उसका कंपोनेंट नहीं है। द व्हिपटेल डिजीज ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, तो व्हिपटेल इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है कॉलीफ्लावर में तो वो मॉलिब्डेनम, और क्यों व्हिपटेल बोला जाता है क्योंकि मेनली उसकी रिब ही रहती है, इसकी वजह से तो एमओ की डेफिशिएंसी की वजह से तो व्हिपटेल आएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड वो कौन सा है तो सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, क्योंकि इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला C3H7NO2S, तो लास्ट में क्या है उसका ज्वाइन होता है S, तो वो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। फॉर अप्लाइंग 100 kg नाइट्रोजन हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड, इसमें ऐसा भी एग्जाम्पल आ सकता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमको फील्ड में 46 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो यूरिया कितना देना पड़ता है, तो 100 केजी यूरिया देना पड़ता है, अगर हमको 100 केजी नाइट्रोजन फील्ड में देना है तो कितना यूरिया देना पड़ेगा, तो 100/100/46 तो कितना आएगा 222, तो कितना देना पड़ेगा 222 केजी यूरिया हमको फील्ड में देना पड़ेगा अगर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो। पडलिंग इज प्रैक्टिसड फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप, हमको मालूम है कि ट्रांसप्लांटेड राइस में पडलिंग करते हैं, तो इसमें क्या आएगा ट्रांसप्लांटेड राइस आएगा। इन ब्रेड लाइन्स विद सेम जीनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड आइसोजेनिक लाइन्स, में आएगा आइसोजेनिक लाइन। द डिसजंक्टिव पैथोजन फॉर एर्गोट इज, एर्गोट का कौन से में आता है तो वो मेज में आता है, तो उसका कजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कजल पैथोजन कौन सा है तो क्लेविकैप्स पुरपुरई, उसका कौन सा है क्लेविकैप्स पुरपुरई, तो इसमें ये आएगा। पिंक बॉलवर्म इज अ पेस्ट ऑफ, तो कॉटन, पिंक बॉलवर्म किसमें आता है तो वो कॉटन में आता है, क्या हम उसको बोलते हैं तो वो गुलाबी ईयर। सिल्क साइजेस, सिल्क की साइज कितनी है, तो हमको मालूम है सबसे ज़्यादा सेंट, उसके बाद में सिल्क और उसके बाद में क्ले, तो क्ले का सबसे कम साइज रहती है और जो सेंट है उसकी सबसे ज़्यादा साइज रहती है, तो इसमें सिल्क का पूछा है तो बिगर देन क्ले मीन्स के क्ले से बड़ा और स्मॉलर देन सेंट मीन्स के सेंट से कम, तो इसमें ये आएगा। वेयर इज द ICR कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंडनट इन गुजरात सिचुएटेड, ग्राउंडनट का कहाँ पर है डायरेक्टर ग्राउंडनट रिसर्च, तो वो जूनागढ़ में है, जो जीजी वैरायटी आती है तो वो जूनागढ़ से रिलीज होती है, इसमें आएगा जूनागढ़। सेंटर ऑन ICR कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट इन गुजरात आर सिचुएटेड इन, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो नवसारी में एंड जूनागढ़ में, आनंद में और दांतीवाड़ा में नहीं है, तो इसमें आएगा नवसारी एंड जूनागढ़। वेयर इज द ICR कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वीड कंट्रोल इन गुजरात सिचुएटेड, तो वो कहाँ पर है वीड कंट्रोल का, तो AU में आनंद। द ETL फॉर पिंक बॉलवर्म वॉच फॉर फिरोमोन ट्रैप पर डे कंसिक्यूटिवली फॉर 3 डेज, तो ETL लेवल हम कब बोलेंगे पिंक बॉलवर्म का, जब वो फिरोमोन ट्रैप में 8 उसके मौत आती है तब उसको हम ETL बोलेंगे। ETL मीन्स आपको मालूम ही है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, तो मेनली कब जब 8 पिंक बॉलवर्म रहती है तब हम उसको ETL बोलेंगे। ETL मीन्स के इसके बाद में हमको कोई भी पेस्टिसाइड या मैकेनिकल कल्चरल कंट्रोल करना ही पड़ेगा पिंक बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए। द ETL फॉर नेमेटोड इन कॉटन इज एलर्जिक या पर ग्राम ऑफ सेल, तो 1 to 2 लार्वा है।
द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर लीफ ओवर पायरेलस स्पीशीज इन शुगर कैन इज वो कितना है, तो वो 3 से 5 इंडिविजुअल पर लीफ उसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है। IPM इंक्लूड्स, IPM मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्या IPM मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कजेज इकोनॉमिकल डैमेज टू द क्रॉप, तो वो कौन कौन से पेस्ट आएंगे इसमें, इंसेक्ट भी आएंगे, डिसीज भी आएंगे, वीड भी आएंगे, अगर हम हैं तो हम भी आएंगे, ह्यूमन भी आएंगे, तो IPM में कौन कौन से आएंगे, तो ये तीनों आएंगे, इंसेक्ट, डिसीज एंड वीड। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर ICR लोकेटेड इन, तो ICR के अंडर में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो एक है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। दूसरी आएगी IVRI, तो वो क्या है, IVRI मीन्स वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो इज्जत नगर में है। तीसरे आएगी NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहाँ पर आएगी, करनाल में, करनाल नहीं पर करनाल में आएगी। और चौथी कौन सी है, तो चौथी वो बॉम्बे में है, वो कौन सी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरी एजुकेशन, जो फिशरी का एजुकेशन के है, तो वो आएगी, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो बॉम्बे में है, तो ये आएगा ऑप्शन IRI न्यू दिल्ली में, इज्जत नगर में IVRI, करनाल में NDRI एंड मुंबई में फिशरी एजुकेशन, तो ये इसमें ऑप्शन आएगा। ICR डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आनंद, आनंद में भी कहाँ पर है, तो वो बोरियावी में है, तो इसमें यही आएगी। ICR डायरेक्टर ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च इज लोकेटेड एट, हमने अभी डिस्कशन किया था वो जूनागढ़ में। ICR नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, वो कहाँ पर लोकेटेड है, सिक्किम, सिक्किम में भी कहाँ पर है, गंगटोक में, सिक्किम में भी कहाँ पर है, गंगटोक में, तो इसमें क्या आएगा, गंगटोक। प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, कहाँ से प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो वो एमिनो एसिड से। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, रेड कलर क्यों है, तो वो लाइकोपिन की वजह से टोमेटो में। और भी पूछा जा सकता है पपाया के कलर के बारे में, ऑनियन के कलर के बारे में, ऑनियन की पंजेंसी के बारे में, तो वो भी आपको याद रखना है। ऑन अ पायलट स्केल द फर्स्ट KVK वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में फर्स्ट KVK स्टार्टेड हुआ था, तो 1974 में, कहाँ पर, तो पौंडुचेरी इंडिया में, कहाँ पर, पौंडुचेरी में। अगर गुजरात में फर्स्ट केवी के बारे में बात करता है, तो वो कहाँ पर आएगा, तो वो डिस्सा में, वो कहाँ पर हुआ था, डिस्सा में। प्लांट दैट ग्रो इन सलाइन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज, सलाइन एनवायरमेंट बोला है, तो वो कौन सा प्लांट है, उसको बोलेंगे तो हेलोफाइट। अगर ड्राई कंडीशन के बारे में बोला होता तो ज़ेरोफाइट, वाटर लविंग के बारे में बोला होता तो वो हाइड्रोफाइट। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, वो कहाँ से आता है, तो वो वाटर से, H2O, वही से ऑक्सीजन वो अपटेक करके रिलीज करता है, उसके हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तब भी हमको मालूम चल जाएगा। लिविंग सेल आर नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसपीरेशन, के लिए लिविंग सेल चाहिए, जो प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है, गतिशन के लिए भी लिविंग सेल चाहिए, इवापोरेशन के लिए लिविंग सेल नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि कोई सीसोर है, कोई भी रिवर है, उसका वाटर इवापोरेशन होता है, उसमें कोई लिविंग सेल नहीं होते, तो इवापोरेशन के लिए कोई लिविंग सेल नहीं चाहिए। ड्यूरिंग 11th प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सब स्कीम ऑफ RKVY, कौन सी सब स्कीम नहीं थी, तो वो RKVY कब आया था, तो वो 2007 में आया था। नेशनल मिशन ऑन बम्बू कब आया था, तो वो 2006 में आया था, तो इसमें क्या आएगा, नेशनल मिशन ऑन बम्बू। RKVY वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग, तो हमने डिस्कशन किया था वो 2007 में, किसने किया था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे फैकल्टेटिव प्लांट, तो वो कौन सा है, शॉर्ट डे में कॉटन फैकल्टेटिव प्लांट है, इसीलिए। व्हेन क्रॉप वीट, व्हेन कॉटन वीट वेजिटेबल आर ग्रोन इन अ ईयर इन अ फील्ड द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अगर एक सीजन में हम 3 क्रॉप लेते हैं, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 300। अगर दो ही लेते हैं, कॉटन और वीट, तो 200, एक ही लेते हैं, तो वो 100% क्रॉपिंग इंटेंसिटी रहेगी। तो अब इंडिया की कितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, तो वो एग्जाम में आ सकता है, तो वो इंडिया की कितनी है, तो वो 136% है, इंडिया की कितनी है, 136% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। द सर्टिफाइड सीड आर प्रोड्यूस फ्रॉम, सर्टिफाइड सीड इसमें से हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फाउंडेशन सीड में से, न्यूक्लियस में से ब्रीडर, ब्रीडर में से फाउंडेशन, फाउंडेशन में से सर्टिफाइड सीड।
द ब्रीडर सीड शुड बी लेबल्ड इन, ब्रीडर सीड का कौन सा कलर रहता है तो वो येलो कलर, ब्रीडर सीड का कौन सा रहता है तो वो येलो कलर रहता है। इन गुजरात वेयर इज द ICAR सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर लोकेटेड है, वो कहाँ पर लोकेटेड है तो वो भरूच में है सोइल सैलिनिटी रिसर्च। इन एसिड सोइल फॉस्फरस गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज आयरन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इन गुजरात द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड थ्रू, गुजरात में मैक्सिमम रेनफॉल कौन सा मानसून से रिसीव होता है तो वो एस साउथ वेस्ट मानसून SW मानसून, वो कब रिच होता है इंडिया में तो वो 1 जून में केरला के अंदर वो रिच होता है, और गुजरात में वो मानसून कब स्टार्ट होता है तो वो 20 जून को, केरला में 1 जून को और गुजरात में 20 जून को। वो कितना परसेंट रेनफॉल देता है इंडिया में भी सबसे ज़्यादा तो वो 75%। इन टर्म ऑफ हेक्टेज इन गुजरात ड्रिप एडोप्शन इज मैक्सिमम इन विच क्रॉप, तो कॉटन के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रिप इरीगेशन है। ADP टू ATP चेंज इज ड्यू टू फोटो पोलराइजेशन की वजह से ADP में से ATP चेंज होता है। द प्रीडोमिनेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन इन गुजरात इज तो वो कौन सी है, सेमी एरिड, जो हमें आगे भी डिस्कशन किया था। नीलपांसो इज अ वेराइटी ऑफ मैंगो, को मालूम नीलपांसो आलपांसो रत्नागिरी लंगड़ा आपूस तो वो मैंगो की वेराइटी है। पोटेटो इज द मेजर क्रॉप इन, पोटेटो मेजर क्रॉप कौन से रीजन में है तो वो नॉर्थ गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में भी पर्टिकुलरली बनासकांठा में, कहाँ पर बनासकांठा में, बनासकांठा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, पहले कौन सा था तो वो आगरा था, तो अब कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पोटेटो का प्रोडक्शन करता है तो वो है बनासकांठा। GAM5 इज अ रिलेटेड वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, GAM5 का फुल फॉर्म क्या है तो गुजरात आनंद मूंग बीन 5, कब रिलीज हुई थी 2015 में, तो मूंग बीन मीन्स उसका इंग्लिश नेम ग्रीन ग्राम, तो इसमें आएगा ग्रीन ग्राम। मेजोरिटी ऑफ सॉइल ऑफ गुजरात फॉल्स अंडर वो इन सेप्टिक सॉइल में गुजरात के अंदर। वेयर इज द NBPGR लोकेटेड, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है तो वो न्यू दिल्ली में। केमिकल यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ माइट इज कॉल्ड एज, तो माइट को जो कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकेरिसाइड और माइटीसाइड। फंगस को अगर कंट्रोल करता है फंजीसाइड नेमेटोड को, तो नेमेटीसाइड। अगर वीड को कंट्रोल करता है तो वो हर्बिसाइड, तो इसमें माइट को कंट्रोल करता है तो वो एकेरिसाइड इसमें आएगा। फॉस्फरस मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू रूट इज मेनली थ्रू, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट होगा। द इनफिल्ट्रेशन रेट विल बी मैक्सिमम इन, इनफिल्ट्रेशन रेट मीन्स क्या, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में वाटर की एंट्री होती है, सरफेस में से सॉइल में एंट्री होती है, तो वो क्या इनफिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा किसमें रहेगा, सैंडी सॉइल में। अगर नॉर्थ गुजरात में ज़्यादा रेनफॉल है तो उसका पानी स्पीडली सॉइल के अंदर चला जाएगा, वापसा कंडीशन स्पीडली आ जाएगी, जबकि कंपेयर टू साउथ गुजरात। एक्यूट डिसीज इज कंसिडर्ड ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से एक्यूट डिसीज आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल, तो वो कौन सा कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ये तीनों है, मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। वाटर यूज एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम विद, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसके है तो हमको मालूम है ड्रिप इरीगेशन की कितनी 90% तक है, स्प्रिंकलर इरीगेशन से उसके कम, और फ्लड की इसके कितने है स्प्रिंकलर इरीगेशन से के 75% अराउंड, फ्लड इरीगेशन की कितने है 60%, तो इसमें क्या आएगा ड्रिप इरीगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज ऑब्जर्व इन यंग लीव्स, तो किसके आएगी तो वो आयरन, क्यों, क्योंकि आयरन प्लांट में इमोबाइल है, प्लांट में वो क्या है इमोबाइल है। अगर अपर लीव्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट क्या करेगा, जो लोअर लीफ पे जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके अपर पार्ट में ले जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल है तो उसकी डेफिशिएंसी लोअर लीफ पे दिखेगी। फॉस्फरस भी ऐसा ही रहेगा कि जो पर्पल कलर है वो लोअर लीफ पे ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि फॉस्फरस सॉइल में ही मोबाइल है पर प्लांट में क्या है मोबाइल है। अगर अपर पार्ट में कोई डेफिशिएंसी है तो नीचे के जो लीफ है वहाँ से अपर पोर्शन के अंदर फॉस्फरस मोबाइल हो जाएगा, तो इसमें आएगा आयरन। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जेशन ऑफ NO2 टू NO3 इज, मीन्स के नाइट्राइट में से
नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो है, वो कौन सा है ऑर्गेनिज्म, तो वो है नाइट्रोबैक्टर। अगर एमोनिया में से नाइट्राइट गोला होता तो वो नाइट्रोसोमोनस आता, तो इसमें आएगा नाइट्रोबैक्टर। केमिकल विच अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज फिरोमोन। फिरोमोन में क्या रहता है, ये जो फिरोमोन ट्रैप है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, तो जो मेल है, मेल फ्रूट फ्लाई है, तो उनको अट्रैक्ट करेगी, तो इसमें क्या आएगा फिरोमोन। सुपर कंटेंट परसेंट इन एमोनियम सल्फेट, सल्फर कंटेंट परसेंट इन एमोनियम सल्फेट इज कितना है 24%। अगर नाइट्रोजन परसेंट बोला होता तो कितना आता, 21% आएगा। द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द यूरिया इज एमाइड फॉर्म, कौन सा फॉर्म है एमाइड, दूसरा कौन सा है कैल्शियम साइनामाइड। जिंक इज एंटागोनिस्टिक विथ, एंटागोनिस्टिक विथ, अगर कोई भी सॉइल में फॉस्फोरस इंक्रीज होता है तो जिंक के अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है, तो उसको इसके अंदर कौन सा आएगा अवेलेबल ऑफ फॉस्फोरस, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट किसके साथ रहेगी, तो वो फॉस्फोरस के साथ। सल्फरल सल्फर इज एन इसेंशियल, वो क्या है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और कौन से, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड सल्फर है। सेलाइन सोडिक सॉइल रिक्लेमेशन इंक्लूड, तो एप्लीकेशन ऑफ एमेंडमेंट, यस, ड्रेनेज विद लीचिंग, यस, एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग, यस, इसमें क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव। बीटल्स बिलोंग टू द वाटर, बीटल्स कौन से वाटर में आएगी, तो वो पॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा में जो फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, तो वो डिप्टेरा में आएगी। लेपिडोप्टेरा में जो बटरफ्लाई है वो इस वाटर में, तो इसमें पॉलियोप्टेरा आएगा। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग लोकेटेड है, तो वो कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब हम 201 से 300 क्वेश्चन पार्ट टू में देखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अभी यूनिक एग्री चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे जो भी अपलोड करते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी आप उस तक पहुँच सकें। थैंक यू।